मणिपुर में जो स्थिति बनी है, सिर्फ दो समुदायों के बीच खाई नहीं बनी है, ये लकीर अब रिश्तों में भी आने लगी है। मेरे साथ जो महिला है, ये कांपोकी इलाका जो है, जो जिला है, यहाँ रहती हैं। 6 साल पहले किसी से इश्क किया, ये कुकी समाज की महिला है और इनके पति मैती हैं। 6 साल पहले का वो प्यार शादी तक बात पहुंची, लव मैरिज हुई, परिवार की मंजूरी से हुई, और यहां जैसे ही 3 महीने में तनाव बढ़ा है, ये जोड़ा अलग हो चुका है। ये शादीशुदा दंपत्ति अब एक दूसरे के साथ नहीं है। मणिपुर के हालात ने इनके रिश्तों के बीच में दूरियां खड़ी कर दी हैं। अब हमें बताएं, आपकी शादी कब, कैसे हुई थी, कहाँ मिली थी आप अपने पति से, ये कब की बात है? हम हमारी पति से स्कूल में मिलते थे। हमारी मुलाकात हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। हम सेकेंडरी स्कूल में थे और वो ग्रेजुएट क्लास में थे। जब पढ़ते थे तब की बात है। हाँ, कितने साल पहले? बहुत, वो तो बहुत समय। 6 साल पहले है। और हमारी पेरेंट्स के इजाजत लेके हम लव मैरिज किए थे। आपने पहले पेरेंट्स को समझाया कि शादी करना चाहते हैं, हाँ, तब ऐसा लगा था कि वो मैतेई हैं, आप कुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी शादी करने में, घर वाले मान गए थे? ऐसा कोई दूसरी कम्युनिटी है, ये स्टडी नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं कहते, क्योंकि इस वक्त हम मेटे और कुकी एक दोनों से बहुत प्यार करते थे। कोई झगड़ा भी नहीं थे और शांति से रहते थे, इसलिए इजाजत दी है हमारी पेरेंट्स ने और हम शादी करी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारी बच्चे 2 हो गए हैं और अभी एक हमारे पेट में है। हम प्रेग्नेंट हैं, 3 होने वाले हैं हमारे बच्चे। ये बच्चा जो पेट में, वो कितने महीने का है? ये 8 महीने का है। यानी 1 महीने बाद जब वो बच्चा बाहर आएगा, दुनिया को देखेगा, क्या वो अपने पिता को देख पाएगा? ये सवाल हम उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये सवाल हम पीएम मोदी जी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हम पूछताछ करना चाहते हैं। उन दोनों के हाथ में है ये बच्चा, उसके पापा और उसकी दादी जी से मिलवाने को, क्योंकि पीएम मोदी जी के हाथ में है ये दोनों लड़ाई खत्म करके हमारे बीच जो कुकी और मेटे की लड़ाई खत्म करके आपका परिवार कहाँ रहता था, किस इलाके में रहता था? आप अपने परिवार में किसके किसके साथ रहती थी? हमारे परिवार इम्फाल में रहते थे। हम एक मेटे से शादी किया था और हम गैम्बलेज में रहते थे। हमारी सासू माँ, हमारी हस्बैंड और हम, हमारी दोनों बच्चे हैं। हम पांच लोग रहते थे। पांच लोग रहते थे। यहां पर आप, ये रिश्ता कैसे टूटा, अलग कैसे हुए आप लोग, स्थिति ये इस हद तक कैसे पहुंची? जो लड़ाई है मई 3rd में हुए थे और हमको पता चला, लेकिन हमने सोचा कि हम एक मेटे से शादी की है, हम एक मेटे हो गए हैं, हम मेटे के साथ रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमारे जब आधार देखी है, उन लोगों ने कहा कि इस आधार में तुम्हारा नाम कुकी का नाम है, मेटे का नाम नहीं है, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते। किन लोगों ने कहा ये? मेटे लोगों ने कहा। वो आपके घर आए थे? हमारे घर तो नहीं आए थे, हम एक रिलीफ कैंप में गए थे और उन लोगों ने ऐसा कहा। तो हम आपको रिलीफ कैंप क्यों जाना पड़ा इम्फाल से? जो हमारी लोकेलिटी है उसमें बहुत लड़ाई हुई थी, कोई मारपीट और घर घर को कुकी कुकी वालों के घर को जलाना, ऐसा जो वायलेंस देख के हम बहुत स्ट्रेस हुई थी, इसलिए हम घर छोड़ना पड़ा। पूरा परिवार गया था आपके साथ? हाँ, पूरा परिवार गए थे। और उन लोगों ने जब हमको कहा कि हम मेटे के साथ नहीं रह सकते, हम कुकी है,
इसलिए हम छोड़ के आ गए। हमारी मम्मी और हम एक रिलीफ कैंप में, आर्मी के रिलीफ कैंप में, आर्मी लोगों ने, आर्मी के ट्रक में हमें लोगों ने लेके आया और रिलीफ कैंप में हम रहते थे। और लंगोल के रिलीफ कैंप में थे और लंगोल से हम मंत्रीपुखरी ले आए और मंत्रीपुखरी से कांगपोखरी ले आए थे। तो हम अभी कांगपोखरी में रह रहे हैं। आपके हस्बैंड से आपकी बातचीत होती है? पहले तो हमारी साथ बातचीत हुई थी लेकिन एक महीने हो गए हैं हम बातचीत नहीं की। क्यों? फोन कॉल नहीं चल रहे हैं, उसके फोन को स्विच ऑफ में है, वो पता नहीं क्या हुआ, उसके हालात कैसे हुए हैं, किस हालात में वो रहते हैं। हम चिंता है अपने पति और परिवार की? हाँ, हम बहुत चिंता है और हम पता भी नहीं है कि हमारे पति के पास तो आपका नंबर है, उन्होंने भी फोन नहीं किया आपको? फोन तो किया होगा लेकिन पता नहीं, हमारी बातचीत हो ही नहीं सकते, हम बहुत चिंता कर रहे हैं। आपका रिश्ता अभी है या नहीं है अपने पति के साथ? क्योंकि जो समुदाय बटा है, क्या ये पति पत्नी भी अब बट चुके हैं या रिश्ता आज भी कायम है? हम हमारी पति को विश्वास करते हैं कि उसके मन में सिर्फ हमारी प्यार है और दूसरी लड़की को, दूसरी पत्नी को नहीं ढूंढेंगे। आपके मन में भी उनके लिए उतना ही प्यार है? हाँ, और हमारी प्रार्थना ये है कि एक दिन ये जो जो झगड़ा है मेटे और कुकी के बीच में खत्म हो जाए और हम हमारे हस्बैंड और हमारी सासू माँ से मिल पाए और हमारी जो होने वाले बच्चे हैं वो उसके पापा और उसके दादी से मिलाए। आप दिन में कोशिश करती हैं अपने पति का नंबर डायल करने की, शायद उनकी आवाज सुन लें, उनसे बात कर लें? हाँ, कभी कभी कोशिश करते हैं लेकिन जब हम डायल करते हैं स्विच ऑफ कहता है और हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। आप वहाँ पड़ोस में नहीं जानते थे किसी को, उनके कोई दोस्त हो, कोई और रिश्तेदार हो, उनसे बात करके बता दे कि आपके साल में है? ऐसा जो कॉल करने के लिए कोई भी हमारे रिश्तेदार नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड में जो बहुत वो बुरा है, हमको एक कुकी होने से हम उन लोगों ने बहुत नफरत करती है। अपने ही परिवार के लोगों से नफरत? हाँ, हमारी ससुराल नहीं, वो हमारे हस्बैंड के वो रिलेटिव ने हमको नफरत करता है, इसलिए हम उन लोगों के नंबर भी हमारे कॉल में नहीं रह सकते। हमारी शायद आपका पति या उनका परिवार ये देख रहा हो, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी भी जिंदा है, अभी हम हमारी हस्बैंड और हमारी सासू माँ से। एक दिन ईश्वर ने इजाजत दी तो हम एक दिन उन लोगों से मिल पाए और चिंता नहीं करने के लिए हम कहना चाहते हैं। Excuse me. कई बार शब्द कुछ कह नहीं पाते, आंखों के आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं और इनकी आंखों के आंसू भी वही कह रहे हैं कि आज भी वही प्यार है। 6 साल पहले प्यार हुआ, शादी हुई, 2 बच्चे हुए, एक परिवार था, लेकिन 2 समुदायों के बीच ऐसी हिंसा भड़की, ऐसी नफरत भड़की जिसने एक पति और पत्नी को अलग कर दिया है। पत्नी को नहीं पता 1 महीने से उनके पति के साल में है, शायद उस पति को भी नहीं पता होगा कि उनकी पत्नी यहाँ किस हाल में है। बस हम उम्मीद ये करते हैं कि नफरत खत्म हो, ये जो जोड़ा, कहते हैं रिश्ते हमेशा जन्नत में बनते हैं, रिश्ते ऊपर वाला जोड़ता है,
जिस रिश्ते को ऊपर वाले ने जोड़ा है, नीचे वालों रहने वालों की राजनीति, उनकी नफरत के बीच ये रिश्ता न खत्म होने पाए। ये रिपोर्ट लेकर मणिपुर से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।